कंडक्टर का लाइसेंस आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आपने घर बैठे चाहे अपने लैपटॉप से चाहे अपने मोबाइल से भी आप अपना कंडक्टर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहती है, कैसे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, कैसे आपने अपनी डिटेल फिलअप करनी है और आपका जो लाइसेंस है कैसे अप्रूव होगा, फ़ीस कितनी लगेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको लाइव डेमो प्रूफ के साथ देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और भी आपको जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस की जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। कंडक्टर का लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे sarthiparivahan.gov.in पे। यहाँ पे आप पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट में आप जो है रहने वाले हैं और कहाँ पे आप अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको जूम किया गया है तभी ये आइकन जो है आपको काफ़ी बड़े साइज़ में दिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली पता चल सके। तो यहाँ पे आएंगे आप, कंडक्टर लाइसेंस वाला ऑप्शन आता है और यहाँ पे आता है न्यू कंडक्टर लाइसेंस। जब ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो इस तरह का आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल में इस लाइसेंस को बनाना चाहते हैं तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड जो है मोबाइल में ओपन होगा। और सिस्टम के लिए और आपके सिस्टम में इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपको ये जो स्टेप है वन बाय वन आपको फिलअप करने होंगे। तो सबसे पहले रहता है यहाँ पे आपका जो स्टेट सेलेक्ट की है, यहाँ से आप अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना RTO ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जब आपने स्टेट और RTO सेलेक्ट कर ली है उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल दिया है गया है, तो ये पर्सनल डिटेल में आपको ये सारे के सारे कॉलम जो है फिलअप करने होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले नाम आता है फर्स्ट नेम में, उसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में डाल सकते हैं, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम है। इसके बाद यहाँ पर रिलेशन आप सेलेक्ट करेंगे, फादर का नेम के आधार पर बनाना चाहते हैं, हस्बैंड नेम है अगर कोई मैरिड है तो हस्बैंड नेम के या फिर डॉटर ऑफ करके फादर नेम से भी बना सकते हैं, मदर नेम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फादर या मदर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम। तो यहाँ पे जैसे आप अपना नाम यहाँ ऊपर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नाम फिलअप हो जाएगा। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन चूज़ करेंगे, कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी, लास्ट क्वालिफिकेशन है आठवीं है दसवीं है, उस हिसाब से आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसके बाद आइडेंटिटी मार्क यहाँ पर लिखेंगे। तो ये स्टेप कम्प्लीट होने के बाद दूसरा इस तरफ का रहता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर चूज़ करने के लिए आएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके बाद अपना यहाँ पे ब्लड ग्रुप ऐड करेंगे, जो आपका ब्लड ग्रुप रहता है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई और अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिटी मार्क के लिए अगर कोई और आइडेंटिटी मार्क है तो यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अभी सबमिट नहीं करना है, तो इसको पेज को आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दूसरा कॉलम आ जाता है आपका एड्रेस डिटेल वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस के लिए फिलअप करने के लिए जो है पूरी की पूरी फील्ड, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। जैसे स्टेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना विलेज का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके दोनों ही एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे अपने कॉपी एज ए परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोनों फील्ड ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। और आप कहीं और जगह रह रहे हैं और आपका जो स्थायी निवासी का जो एड्रेस है और कुछ और है, तब आपने एज ए प्रेजेंट वाला यहाँ वाला कॉलम फिलअप करना है, और जो आपका जहाँ के पहले के हैं जहाँ आपका जन्म हुआ है अगर वो
आपके आधार कार्ड में एड्रेस रहता है तो उसको यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस डिटेल के बाद आता है आपका मेडिकल डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। मेडिकल डिटेल में सबसे पहले आ जाता है एफए इशू इंस्टीट्यूट नेम, जहाँ से आपने फर्स्ट एड डिटेल आपको डालनी होगी, जो आपका सर्टिफिकेट है कहाँ से आपने लिया है, कौन से हॉस्पिटल से आपने जो है 14 दिन का कोर्स कंप्लीट करके जो है फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लिया है, वो यहाँ पे नाम डालेंगे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आएगा, प्लेस कौन सा, कहाँ से जारी किया है, कौन से हॉस्पिटल से, कौन सी जगह पे है वो हॉस्पिटल, और यहाँ पे आप डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे कब आपको जो इशू किया गया है। उसके बाद फिर से आ जाता है मेडिकल फिटनेस डिटेल, यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर जो आपने यहाँ पे डाला है उसी को यहाँ पे मेंशन करें, और किस डॉक्टर ने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया है उस डॉक्टर का नाम यहाँ आएगा, उसका रजिस्टर नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर रजिस्टर नंबर नहीं है तो यहाँ पे डायग्नेशन भी डाल सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर है जो आप उसकी पोजीशन है उस हॉस्पिटल में। इसके बाद क्लिनिक नेम एंड प्लेस, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हैं किस प्लेस पे है, और इशू डेट की कब आपको जो यहाँ पे आपने डाली है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इस तारीख को दिया गया हो तो डेट वो भी यहाँ पे डालें। इसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट करने से पहले आप पहले अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर लें, उसके बाद एड्रेस डिटेल चेक कर लें, मेडिकल डिटेल चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। और उससे पहले यहाँ पे आ जाता है अगर आप कोई अपने पार्ट डोनेशन करना चाहते हैं तब यहाँ पे क्लिक करें, अदरवाइज़ को खाली छोड़ के यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है कि आपने जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी की सारी आपके नॉलेज में ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे इस तरह का आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कंडक्टर लाइसेंस का एप्लीकेशन जनरेट हो चुकी है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आगे स्टेप फिलअप करने से पहले यहाँ पे दे दिया गया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होंगे, एक आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, दूसरा एड्रेस प्रूफ है, और तीसरा एज प्रूफ है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, इसको आपने स्क्रॉल करना है नीचे। अब यहाँ पे आपका जो न्यू कंडक्टर लाइसेंस की आपकी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके लिए आपने यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद भी आपने ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। आगे रहता है इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे कंडक्टर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले एज प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा जिसमें आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, दूसरा एड्रेस प्रूफ का होगा इसमें आप आधार कार्ड अटैच करेंगे, तीसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जो आपको फिटनेस यानी कि 14 दिन का जो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होता है उसको आपने यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने का तरीका, जैसे यहाँ पे आपने एज प्रूफ पे क्लिक कर लिया, जैसे आपने यहाँ पे एज प्रूफ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपने स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से चूज़ फाइल करके आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपके जो सिस्टम में जो आपने फ़ाइल स्कैन करके रखी होगी उसको ही आपने अपलोड करना है। जो फाइलें रहेगी वो आपने पीडीएफ में स्कैन करनी है, जिनका साइज़ आपका 500 केबी से कम होना चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन का आता है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइनली जो है फाइल अपलोड हो जाती है इस तरह की। इसके बाद रहता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट वाला जो है फॉर्म MCCON मेडिकल सर्टिफिकेट वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है, और यहाँ से आपने चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है और वहाँ से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। तो जब आपके तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो इस तरह के आपको 1, 2, 3 सारे के सारे ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। अगर कोई गलती से आपको सर्टिफिकेट चेंज करना होगा तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो है चेंजिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो गलत सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है उसको आपने यहाँ से कन्फर्म करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आ रहता है आपका अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके लिए आपने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड होगा, यहाँ पे आपके साइन होंगे, जो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ रहता है
जिसमें दिया गया है 10 से 20 केबी के बीच में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ रहना चाहिए, तभी आपके जो फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड हो सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप फ़ोटो और यहाँ पे ब्राउज करके सिग्नेचर ऐड कर गए। जब आपके सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड हो जाते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे अपलोड एंड व्यू वाले फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर और अपलोड जो है शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव एंड फोटो सिग्नेचर इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनली यहाँ पे इंसर्ट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रहता है आपका फोर्थ ऑप्शन फीस पेमेंट का। आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे कंप्लीट वाले ऑप्शन आ गए हैं। फोर्थ रहता है आपका एप्लीकेशन की जो फीस है वो पे करनी होगी, इसके लिए आपने प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके 460 रुपये जो फीस के काटेंगे नए कंडक्टर लाइसेंस बनाने के लिए। यहाँ पे आप बैंक वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो कोड दिया गया उसको टाइप करके अपने पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका जो लाइसेंस है इतनी फीस रहेगी, इस नाम से है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसेस फॉर द पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेप रहता है, आपको यहाँ से अपनी पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो बैंक आपको ईजी रहता है, जो आपके पास है अवेलेबल है, उसको ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो कोड दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट के होने के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट होते हैं, आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका कंडक्टर का लाइसेंस अप्रूव हो जाता है आपको मैसेज आ जाएगा और इसी वेबसाइट के थ्रू ही आप अपना कंडक्टर का लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। तो कंडक्टर का लाइसेंस कैसे अपलोड करना है उसकी भी आपको इस वीडियो इस चैनल में मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें कि किस तरह आपने, अगर आपका लाइसेंस बन चुका है तो आपने दोबारा से कैसे इसको निकालना है। अगर रिन्यू करना है, रिन्यू का भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंडक्टर का जो लाइसेंस को कैसे रिन्यू किया जाता है।